दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों यह सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और इस राज्य की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है और इसका एक सांस्कृतिक ताना बाना भी है। सूबे में भाजपा की सरकार है और उसकी कमान एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथों में है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ का जो सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना है वो छिन्न भिन्न होते हुए दिख रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार से कुछ संभल नहीं पा रहा है, लेकिन यह भी सही है कि कुछ ढीले ढाले तौर तरीकों और ब्यूरोक्रेसी के चलते सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के कलेक्टर कार्यालय में आगजनी की घटना के बाद तो जैसे सवालों का पहाड़ ही खड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने कुछ अफसरों पर कार्रवाई की है, बावजूद इसके यह भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, छत्तीसगढ़ में अफसरों की पाव बारा है। दोस्तों जब छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की सरकार थी तब उनके धूर विरोधी समझे जाने वाले विद्याचरण शुक्ल, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे अक्सर ये आरोप लगाया करते थे कि प्रदेश को राजनेता अजीत जोगी नहीं बल्कि नौकर सा अजीत जोगी चला रहे हैं। क्योंकि जोगी लंबे समय तक एसपी और कलेक्टर रहने के बाद नेता बने थे तो वे प्रदेश की नौकरशाहों की जो स्थितियां होती है उससे भली भांति वाकिफ थे। लेकिन यह भी सच है कि नौकरशाहों की मनोदशा को समझने के बावजूद जोगी भी नौकरशाहों से ही घिर गए थे। जोगी के शासनकाल में कई अफसरों पर स्वामी भक्ति का आरोप लगा था। कुछ अफसरों के बारे में यह तक कहा जाता था कि वे अफसर नहीं बल्कि जोगी के एजेंट हैं। खैर, जोगी के शासनकाल के बहुत से स्वामी भक्त अफसर अब इस दुनिया से कूच कर गए हैं, जबकि कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं। जोगी के सत्ता से हटने के बाद जब सूबे में भाजपा की सरकार आई तब शुरुआत के कुछ साल तक तो यह लगा कि अफसर काबू में है, उन पर नकेल कस दी गई है, लेकिन फिर बाद के दिनों में ब्यूरोक्रेसी जो है वह हावी हो गई, यानि ब्यूरोक्रेसी की पौ बारा हो गई। अफसरों की 3-5 के चलते डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बदनाम हो गई। लगभग जो वही स्थिति कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार में भी देखने को मिली। बघेल की सरकार में भाजपा के शासनकाल में जो विवादित अफसर थे उनको सजा तो मिली, लेकिन जो अफसर नियमों और कानून से खुद को संभाल सकते थे वे संभल नहीं पाए और इन दिनों जेल में हैं। हालांकि जो अफसर सजा भुगत रहे हैं उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वे गहरी साजिश का शिकार हुए हैं। अब कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह, इसका फैसला तो न्यायालय और वक्त के हाथों ही होना है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जब दामन में दाग लग जाता है तो फिर उसे धोने में वक्त लगता है। जनता को भूलने की आदत होती है तो कई बार दाग थोड़ा जल्दी भी धुल जाता है। दोस्तों एक बहुत पुराने फिल्म अभिनेता है नज़ीर हुसैन। आप सब ने उन्हें गरीब लड़की के पिता के तौर पर अक्सर रोते हुए ही देखा होगा। फिल्मों में नज़ीर हुसैन के एक संवाद को अक्सर हम सुना करते थे। वे कहते थे, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत से अफसरों के बारे में यह कहने का मौका मिले कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटाया है, अब उसे भूला हुआ नहीं कहा जाना चाहिए, भूला हुआ नहीं माना जाना चाहिए। खैर, इन सबसे इतर मैं यह बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में बीते एक पखवाड़े में काफ़ी हलचल देखने को मिली है। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद तो जैसे भूचाल ही आया हुआ है। विधायक पर यह आरोप है कि जब बलौदा बाजार के कलेक्टर कार्यालय में आगजनी और हिंसा की घटना हुई तो वे वहां मौजूद थे। धरना प्रदर्शन में विधायक की मौजूदगी को पुलिस ने थोड़ा दूसरे तरीके से देखा है, उनकी संलिप्तता पाई है। यहाँ ये बताना भी बिल्कुल आवश्यक है
कि सतनामी समाज के धार्मिक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने के मामले में बलौदाबाजार के कलेक्टर कार्यालय में जून महीने में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने लगभग 240 से ज़्यादा वाहनों को फूंक दिया था। अनुमान है कि घटना में कुल 12 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। घटना के बाद 180 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विधायक देवेंद्र यादव पर बलवा हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा, पुलिस के साथ मारपीट, रास्ता रोकना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित सरकारी कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ का जो मामला है उसके तहत जो है वो धाराएं लगाई गई हैं। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद जो यादव समाज है प्रदेश का वो मुखर हो गया है। और इधर कांग्रेस का भी आरोप है कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस के विधायकों का मनोबल तोड़ने के लिए साजिश के तहत ही उन्हें गिरफ्तार किया है। दोस्तों, देवेंद्र यादव एक युवा विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में युवाओं की जितनी बड़ी फौज उनके साथ है उतनी किसी अन्य विधायक के साथ हाल फिलहाल तो दिखाई नहीं देती है। आम जन के बीच जो है उनकी सक्रियता भी हैरान करती है। और यही एक वजह है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसका जबरदस्त विरोध पूरे प्रदेश में देखने को मिला। अब भी हर रोज कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में हुए एक धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन धरना स्थल पहुंचने से पहले ही बजरंग दल के लोगों ने उन्हें घेर लिया और फिर झूमा झटकी भी देखने को मिली। भूपेश बघेल के समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठियां भांज दी, कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए तो कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला और सरकार पर निशाना साधा। बघेल का कहना है कि दुर्ग के जो पुलिस कप्तान हैं उनकी कार्यप्रणाली एक गुंडे के समान है। बघेल का यह भी आरोप है कि दुर्ग जिले के एक नामचिन पब्लिक स्कूल में एक नाबालिग बच्ची के साथ घटना हुई थी दुराचार की। उसे पुलिस कप्तान ने यह कहकर दबा दिया कि जांच में कुछ भी नहीं पाया गया, जबकि नाबालिग के जो अभिभावक हैं वो कार्रवाई चाहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में जख्म होने की पुष्टि हुई थी। यदि पुलिस चाहती तो पहले पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होता, फिर जांच होती, लेकिन किसी भी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं की गई। मामला सरकार की जानकारी में है फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, हमारे दुर्ग में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है, एक छोटी बच्ची के साथ उसके साथ दुराचार होता है और उसको दबा दिया जाता है, इसलिए तो मैंने कहा गुंडा है। आपकी संवेदना मर गई, सारे पालक आंदोलन कर रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप सोशल मीडिया भरा पड़ा है और उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है, आप इंसान है कि हैवान है? इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं है? जैसे जानकारी में आई, पास्को एक्ट ये कहता है कि तत्काल आपको FIR करना है और FIR करके जांच करना है, उसके बाद फाइंडिंग में क्या आता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन बिना FIR के आपने जांच कैसे कर ली और उसके बाद भी SP धमकाने की कोशिश मीडिया को भी और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी धमकाने की कोशिश और गलत ढंग से जो पालक है उसे बरगलाने की कोशिश ये किया है दुर्ग SP ने। बहुत गंभीर मामला, एक तो एक्सटेंशन में वहाँ का प्रिंसिपल है और वो खुद भी सर्टिफिकेट दे रहा है, उसका वीडियो आपने देखा होगा, वो प्रिंसिपल भी सर्टिफिकेट दे रहा है कुछ नहीं हुआ, SP भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, जबकि एक्ट कहता है संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए, FIR दर्ज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। और ऐसे गंभीर मामले, क्योंकि छोटी बच्ची के साथ ये घटना घटी है, एक तरफ पूरे देश में जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है उसके पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है और यहाँ इस प्रकार की घटना संज्ञान में आने के बाद भी संवेदनशीलता तो दूर, लोगों को डराने धमकाने और दबाने की कोशिश
की जा रही है जो बेहद दुर्भाग्यजनक। बहरहाल पुलिस कप्तान को गुंडा कहने के बाद बघेल ने उन्हें बर्खास्त करने और दुर्ग जिले से हटाने की मांग की है। अब बघेल चूंकि विपक्ष में है इसलिए लगता तो नहीं है कि सरकार उनकी मांग को मान जाएगी। इस बीच पुलिस कप्तान और सरकार से सीधी भिड़ंत को कुछ राजनीतिक कथावाचक बनाम विश्लेषक जो हैं वो कई तरह का टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि जब सूबे में भूपेश बघेल की सरकार थी तब जितेंद्र शुक्ला समय समय पर सुकमा, महासमुंद और राजनांदगांव में पदस्थ रहे। उन दिनों में पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला ने भूपेश बघेल के कुछ एक आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। एक तरह से बघेल और पुलिस कप्तान के बीच जो तनातनी हाल फिलहाल में दिखाई दे रही है वो मामला पुराना है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पुलिस कप्तान की दुर्ग जिले में तैनाती ही इसलिए की गई है कि वे कांग्रेस के नेताओं को सुधार सकें। कई तरह की बातें देखने सुनने को मिल रही है और हर रोज नए नए तरह का विश्लेषण सामने आ रहा है। मामला चाहे जो भी हो लेकिन नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना को दबाया क्यों जा रहा है यह समझ से परे है। पश्चिम बंगाल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद भाजपा और उसके नेता जिस ढंग से मुखर हैं वैसा कुछ छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं की जो खामोशी है वो कई सवालों को जन्म दे रही है। लगता तो फिलहाल यही है कि भाजपा का विरोध वहीं देखने को मिलेगा जहां उनकी सरकार नहीं होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।